हेलो एवरी वन एज यू ऑल नो दिस इज का तिवारी सो गाइज यू बैक विद विदियो रिलेटेड टू सीरीज ऑफ कंपनी लॉ एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट तो सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के में प्रसम जरूर चेकआउट करेंगे आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एसडब्ल्यू एन टी सो विदाउट एनी फर्दर डीलिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ गाइस इन दिस टॉप इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक डेट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट से पहले हमने शेयर अलॉटमेंट क्या होता है उसका प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया था आज हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर के तरीके क्या है टाइप्स क्या है और क्यों हम अलॉट करते हैं शेयर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर किस तरीके से आप शेयर को अलॉट कर सकते हैं उसके टाइप्स क्या है पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आपको पता है जब कंपनी स्टार्ट करती है इट्स द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट कंपनी मेक इट शेयर अवेलेबल टू द पब्लिक फॉर परचेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज द प्रोसेस इन वॉल ट्रांसफरिंग अपली इन टू पब्लिकली ट्रेडेड वन एलॉन इन्वेस्टर फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू बाय एंड शेयर सेल इन द ओपन मार्केट मतलब की जब आपकी कंपनी जब आपकी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफ़र कर देती है पब्लिकली वो ट्रेडेड वन हो जाती है पहले तो प्राइवेटली है उसकी जो भी शेयर है वो खुद के लोगों के लगाए हुई है जो अंदर के लोग हैं देन वो पब्लिक को ऑफ़र करती है जब अपने शेयर के आइए आप अपने शेयर, मेरे शेयर हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में हैं उन जो हैं उनको आप परचेस करिए आप उनको ऑफ़र करते हैं कि आप उनके सब्सक्राइब करिए ठीक है तो ये क्या होता है ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू अपने शेयर्स को आप जो पब्लिक को क्या करते हैं इनविटेशन देते हैं कि वो उसको खरीदें आके तो ये जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद आप जब प्रोसेस में आते हैं आपको को अपनी कम, पब्लिक कंपनी को बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना होता है उससे पहले आपको अपनी ऑफरिंग जो है वो करनी होती है पब्लिक को अपने शेयर की तो यही है जब प्राइवेट पहले से पहले तो प्राइवेट है क्योंकि उसने अपनी कंपनी के जो शेयर है वो पब्लिक को नहीं दिए लेकिन जब वो पब्लिक के लिए वो अपने शेयर अवेलेबल कर देती है कि अब आप अपने मेरे जो शेयर है उसको परचेज कर सकते हैं तो वो अब क्या बन जाएगी पब्लिकली ट्रेडेड वन बन जाएगी जो अलाउट करती है इन्वेस्टर को जो कि जनरल पब्लिक के हैं कि वो उसके जो शेयर है उसको बाय करें और सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में तो इसके थ्रू वो अलॉट कर सकती है अपने शेयर दूसरा है सेकेंडरी ऑफरिंग ऑल्सो नोन एज फॉलो ऑन फॉलो ऑन ऑफरिंग अगर मैंने पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इशूज एडिशनल शेयर टू द पब्लिक आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक ऑफर तो आपने कर दिया मान लो आपने पब्लिक को पांच लाख शेयर जो है वो ऑफर करिए आप इसको खरीद सकते हैं बेच सकते हैं ठीक है मतलब ओपन मार्केट में इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं मैंने अपनी जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली पब्लिक के लिए ओपन कर दिए हैं नेक्स्ट जब पब्लिक ने ओपन करने वाले जो शेयर है वो खरीद लिए है उसके बाद भी जो एडिशनल और शेयर इशू करते हो मान लो आपको लगा कि को कुछ शेयर मुझे और इशू करने चाहिए कुछ लोग और उसको ले रहे कि और एडिशनल कैपिटल आ जाए तो फिर आपने और शेयर इशू कर दिए तो वो होती है सेकेंडरी ऑफर जब आप दोबारा ऑफर कर रहे होते हो इन अ सेकेंडरी ऑफरिंग एक्जिटिंग शेयर होल्डर विच में इंक्लूड कंपनी इनसाइडर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अदर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल देयर शेयर टू द पब्लिक सेकेंडरी ऑफरिंग में क्या होता है जो एग्जिटिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर पब्लिक को बेच सकते हैं दे सकते हैं या जो कंपनी के इंसाइडर्स हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ठीक है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो अपने पब्लिक को शेयर क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेच सकते हैं तो दोबारा से जब आपके शेयर की ट्रेडिंग हो रही है जब आपने एडिशनल शेयर इशू करें पब्लिक को उनको खरीदने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद वो होती है सेकेंडरी ऑफरिंग ठीक है तो इस तरीके से आप शेयर अलॉट कर सकते हैं दूसरा है राइट इशू इन राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द राइट टू परचेज एडिशनल शेयर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस कंपेयर टू द करेंट मार्केट प्राइस राइट इशू में क्या होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है मतलब जिनके पास शेयर ऑलरेडी आपकी कंपनी के हैं जो परचेज कर सकते कर चुके हैं उनको आप एक बार और राइट देते हो कि वो एडिशनल अगर शेयर खरीदना चाहते हैं और शेयर जो है वो खरीदना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में मतलब जो मार्केट पे प्राइस चला उससे और कम प्राइस पे, प्राइस पे पे डिस्काउंटेड तो वो आप उनको एक राइट देते हो कि आप ये चीज दे सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का तरीका होता है कि भाई जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन्हीं से हमें क्या करना है पैसा रेस करना है प्रोपोर्शनल ओनरशिप है नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वॉल्व ऑफरिंग शेयर टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर ऑफर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फर्म्स एक्रिडेटेड इन्वेस्टर्स मतलब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है अपने शेयर को इशू करते हो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर मतलब सबक नहीं कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको आप चाहते हो कि वही हमारे शेयर्स को खरीदें ठीक है बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फर्म्स हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो सकते हैं इनको जब अपने शेयर आप देते हो प्राइवेट एक तरीके का प्लेसमेंट है क्योंकि आप सबको नहीं दे रहे हो कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को ऑफर कर रहे हो तो दिस मैथड इज लेस पब्लिक क्योंकि आप सबको नहीं अलाउ कर रहे तो पब्लिक इतना नहीं है लेस पब्लिक है एंड वॉल्व फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देन पब्लिक ऑफर पब्लिक तो ऑफरिंग के कंपेरिटिवली यहाँ पे जो लीगल रिक्वायरमेंट है फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट पे है वो भी कम है ठीक है ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगी उसको खरीदने के लिए नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इशूज शेयरिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर सच एज प्रमोटर डायरेक्टर और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस दिस मैथड इज बेस्ट फॉर बिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर और रिवाइडिंग क्रिटिकल स्टेक होल्डर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है प्रिफरेंस के हिसाब से शेयर इशू कर रहे हो मतलब यहाँ पे भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को ही आप शेयर इशू कर रहे थे जिसमें आपका कौन कौन आएगा प्रमोटर्स हो सकते हैं जो कंपनी के जिन्होंने कंपनी को फ्लोट कराया प्रमोटर्स डायरेक्टर जो कंपनी के हैं वो या फिर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं उनको आप शेयर्स जो है वो इशू करते हो ठीक है वो भी एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो ऑलरेडी आपने डिसाइड कर रखा है कि इस प्राइस पे ही हम आपको जो ये शेयर है वो इश्यू करेंगे तो उसी प्राइस पे आप वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को आप जो है वो इश्यू करते हो शेयर ठीक है ये बेस्ट मेथड होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर और रिवॉर्डिंग क्रिटिकल स्टेक होल्डर मतलब जो भी आपके स्टेक होल्डर है जैसे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं ठीक है जो आपके प्रमोटर है डायरेक्टर उनको आप एक तरीका का अगर रिवॉर्ड दे रहे हो या आप उनको शेयर इशू कर रहे हो भी एक ऐसे प्राइस में जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है तो उनको एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम और ज़्यादा वो है शेयर खरीद सकते हैं हमें एक तरीके का प्रिफ्रेंशियल अलॉटमेंट है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो ये था अलॉटमेंट के तरीके नेक्स्ट है अलॉटमेंट के इंपॉर्टेंस कि आप अलॉटमेंट क्यों करते हो तो पहला है कैपिटल इन्फ्यूजन अलॉटिंग शेयर इज अ प्राइमरी मैथड थ्रू विच कंपनी रेस कैपिटल बाई कंपनी को पैसा चाहिए ठीक है उसने अपने शेयर दिए ऑफर किए लोगों ने उसको खरीदे, उसके पास पैसा आया तो कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए शेयर हम ऑफर कर रहे हैं बाईंग न्यू शेयर कंपनी कैन जनरेट फंड डैट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज सच एज एक्सपेंशन अब जो भी पैसा आया है वो उसको यूज कर सकता है या तो वो एक्सपेंशन के लिए कोई नई ब्रांच खोलनी है रिसर्च करनी है या फिर उसका जो डेप्ट है उसको रिपे करना है ठीक है या जिस भी बिजनेस एक्टिविटीज वो पैसा लगाना चाहता है उसके लिए वो कैपिटल जो है वो शेयर्स को अलॉट करके ला सकता है नेक्स्ट है बिजनेस एक्सपेंशन अलॉटिंग शेयर अलाउ कंपनी टू फाइनेंस एक्सपेंशन प्लान जब अलॉट करते हैं आप शेयर को तो आपके पास कैपिटल आती है फिर अगर आपको लगता है कि हमें कहीं अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है नई मार्केट में अपनी ब्रांच ओपन करनी है ठीक है या दूसरे का बिजनेस खरीदना है या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है तो फिर आपके पास पैसा आ जाएगा अलॉटमेंट के थ्रू तो वो आप कर पाओगे नेक्स्ट है शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इनेबल इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू बिकम शेयर होल्डर इन द कंपनी शेयर के अलॉटमेंट से आप अलाउ करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो क्या कर पाए हमारे शेयर होल्डर बन पाए कंपनी के जिससे एक ओनरशिप का सेंस या पार्टिसिपेशन का सेंस आए कि भाई हम कंपनी के शेयर होल्डर है हमारी ओनरशिप है तो कंपनी अगर कुछ अच्छा कर रही है सक्सेस कर रही है तो हम उसके पार्ट हैं ठीक है शेयर होल्डर बाय होंगे पोर्शन ऑफ कंपनी ऑल्सो राइट और शेयर होल्डर जब बनते हैं तो उसको अच्छे राइट भी मिलते हैं वोटिंग राइट मिलता है डिविडेंड मिलता है तो ये सब चीज़ें भी मिल पाएं इसलिए भी आप अलॉट करते हो डैल्यूशन ऑ एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर अलॉटिंग शेयर कैन लीड टू डेल्यूशन ऑफ एग्जिटिंग शेयर होल्डर ओनरशिप इन द कंपनी दिस में इंपैक्ट द कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी नीड टू केयरफुल मैनेज द बैलेंस बिटवीन रेजिंग कैपिटल एंड मेंटेनिंग रीजनेबल ओनरशिप स्ट्रक्चर टू इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर भाई आपने दोबारा से शेयर इशू करे तो और शेयर होल्डर आए तो जिनके पास इससे पहले शेयर थे जो डिसीजन मेकिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे अब जो नए शेयर होल्डर आ गए जिन्होंने जितने ज्यादा शेयर ले लिए अब पावर थोड़ी उनके हाथ में आ गए तो पावर क्या होगी डायल्यू हो जाएगी फिर से एक बार चीजें बैलेंस करने में वाली सिचुएशन में आ जाएगा जो चल रहा था वो थोड़ा सा बदलेगा तो ये चीज़ जब आप करना चाहते हो आपको लगता है कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर है कंट्रोल है उसको थोड़ा इम्पैक्ट करना है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको थोड़ा सा उनकी जो पावर है उसको थोड़ा डाइल्यूट करना है तो फिर आपने और शेयर इशू करें नए लोगों को हायर किया नए लोग ओनर बने हायर नहीं मतलब नए लोगों ने खरीदा वो ओनर बने अब वो अपनी वोटिंग राइट right के थ्रू पावर के थ्रू अलग तरीके से डिसीजन लेंगे और जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आप चेंज करते हैं ताकि सबका बेनिफिट हो पाए ऐसा ना हो कि जो लोग आ गए हैं जो बन गए शेयर बस उसी को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी ही चला रहे हैं ऐसा ना हो ठीक है मार्केट परसेप्शन वैल्यूएशन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट परसेप्शन ऑफ द कंपनी इफ द मार्केट बिलीव दैट शेयर आर बीइंग इशूड फॉर साउंड रीजन एट अ फेयर वैल्यूएशन इट इन्हेंस द कंपनी रेपुटेशन मार्केट में भी इस चीज़ से क्या होती है कंपनी की रेपुटेशन बनती है अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो है वो कंपनी का अलॉट करती है कंपनी अपने शेयर अलॉट करती है तो उससे कंपनी के बारे में लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है उनको मार्केट बिलीव करती है कि अगर शेयर जो है वो सही रीजंस की वजह से अलॉट किए गए हैं मतलब कि ठीक है कैपिटल रेस करनी है नई ब्रांच खोलनी इसलिए उन्होंने शेयर लॉट किए हैं और सही प्राइस पे लॉट किए सो ये कंपनी की रेपुटेशन को बनाए रहता है ऑन द अदर हैंड अगर पुअरली मैनेज और परसिवड अलॉटमेंट प्रोसेस कैन हैव नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑन अगर आपने जो शेयर अलॉट किए उसको प्रॉपरली आपने सही से अलॉट भी नहीं किया मैनेज भी नहीं किया ठीक है अलॉटमेंट प्रोसेस भी आपका सही नहीं रहा पुअरली मैनेज हुआ तो फिर गलत असर पड़ता है कि भाई ये कंपनी इशू तो करती है लेकिन इसका मैनेजमेंट बेकार है ठीक है नेक्स्ट है कम्पलाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर मस्ट एडेय टू द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अब लीगल भी है आपको शेयर अलॉट करने भी पड़ते हैं तो जो भी आप अलॉट कर रहे हैं वो लीगल टर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अलॉट करो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जो चीज़ें डिस्क्लोज करनी वो डिस्क्लोज करो ठीक है जो भी लॉस सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने या डिस्क्लोजर करना है वो आपका होना चाहिए प्रॉपर अगर आप ये रेगुलेशन को नहीं फिल कर पाते हो मतलब नहीं फुलफिल कर पाते हो तो इसके वजह से आपको कुछ पेनाल्टीज भी देनी पड़ेंगी और लीगल इश्यूज भी होंगे तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी द अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल आफ्टर दैट कैन बी यूज टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन एंड वेदर इकोनॉमिक टर्न डाउन मतलब कि डाउन टर्मस फाइनेंशियल हेल्थ भी मेंटेन रखा रहता है भाई आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा चाहिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ठीक है जो हमारा इकोनॉमी है उसको डिमांड को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में मेंटेन रखने के लिए अपने आप को ठीक है पैसों की रिक्वायरमेंट हो आपने शेयर इशू करे जिससे आपका जो कंपनी है वो स्टेबिलिटी मेंटेन रही वो चल रही है ऐसा नहीं ये बंद होने के उस पर आ गई तो इशू करते रहना है कैपिटल रेस करते रहना उसको सही से इन्वेस्ट करते रहना है ठीक है ताकि आप मेंटेन कर पाओ अपनी पोजिशन को भी मार्केट में और फाइनेंशियली भी स्टेबल रहो ठीक है तो ये था आपका एक टॉपिक जो था अलॉटमेंट ऑफ शेयर के टाइप्स और इंपॉर्टेंस को जो हमने डिस्कस किया है इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं इन सबसे रिलेटेड है राइट गाइस सो इसको आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक है थैंक यू